कैसे हाल चाल हैं आपके, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ मेरे आउटफिट को डिज़ाइन करने का, और वो व्लॉग एक्चुअली मैं अलग से अपलोड करूँगी, अदरवाइज़ फिर काला माला हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा कुछ भी। और अब मैंने मेरे सूट आउटफिट की कटिंग तो ऑलरेडी कर ली है, पर सो अब क्या है कि मैंने व्लॉग को एडिट करना शुरू किया है जो मैंने वीकेंड में शूट किया था। और हेलो हाय मैं बोलना भूल गई थी, तो हेयर आई एम टू से हाय। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको मैं बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा प्यारी वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर ये वीडियो के एंड तक आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने से पता चलता है कि आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो अब समय हुआ है अराउंड 4। हिम्मत अपना इंजॉय कर रहा है और उसके बाद हिम्मत करेगा होमवर्क, और मैं वीडियो को एडिट करूँगी जितना मुझसे होता है, देन मैं डिनर कुक करना शुरू करूँगी, एंड यही है। पर आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हमने फ्राइडे क्या किया था एंड देन हमने वीकेंड पे क्या किया है। कुछ लॉन्ड्री की टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो आप देख के आइए। आई विल बी बैक। ओके एवरीबॉडी, वी आर डूइंग एप्पल पिकिंग, लेट्स गो। ओके दोस्तों, तो आज हम पहुँच चुके हैं एप्पल फार्म में। हम एप्पल फार्म से 5 मिनट्स दूर हैं, पर हम कभी भी नहीं आए हैं। तो आज मुहूर्त कट गया है और हम पिक करेंगे एप्पल। एप्पल पिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, घर बहुत सारे एप्पल पड़े हैं, पर फिर भी करांगे आज। चाहिए शहर। ओके दोस्तों, तो हमें मिली नहीं है जगह, क्योंकि 4:30 बजे वो बंद कर देते और हम लोग आए हैं 5 बजे। अब पता नहीं दोबारा आने का मुहूर्त कब खुलेगा, मुझे लगता नहीं कि जल्दी खुलेगा, और वैसे भी चटम हो चुके हैं सारे एप्पल मोस्टली, देखते हैं कब आते हैं। ओके, जब हमारा वहाँ पे वो वास्त नहीं चल रहा है तो हम लोग आ गए वॉक करने के लिए पार्क में, और हिम्मत एक्साइटेड। हिम्मत कह रहा है कि दुनिया की सबसे बोरिंग पार्क है ये, मुझे भी बोरिंग लगती है, पर की करिए, और मौसम बढ़िया है तो कुछ तो करेंगे। व्हाट यू गाइस डूइंग? हिम्मत को ये वाली जो ट्रेलें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, राइट हिम्मत? Why you guys fight all the time? What's your problem? Slide into your mind so
दोस्तों, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आज क्या पक रहा है। बिरयानी। ओके, सो मैं पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे वाइट कपड़े वॉश करने हैं। तो मैं आपके साथ टिप शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे वॉश कर रही हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए बॉइलिंग वाटर, जो कि आई गेस ये हो चुका है। अब इसको हम लेके जाएंगे डाउन स्टेयर्स। सो बेसिकली मैं वॉश करने वाली हूँ मेरी बेडशीट, पिलो कवर्स एंड ऑल्सो मेरी कम्फर्टर का जो कवर है वो। सो मैंने पानी को बॉयल कर लिया है अपस्टेयर। अब इसमें भी हम थोड़ा गर्म पानी फिल कर लेंगे एंड इसको मैंने क्लीन कर लिया है अच्छी तरह। ओपन करके गर्म पानी फिल किया जाएगा। सो इसमें मैं ऐड करूँगी ब्लीच, दूसरी चीज़ मैं ऐड करूँगी विनेगर एंड तीसरी चीज़ मैं ऐड करूँगी लॉन्ड्री बूस्टर और फोर्थ चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोप, जो कि डिश वॉशिंग सोप होने वाला है। स्पेशली ये ब्लू डॉन का जो सोप है वो वाइट कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसे ऐड करेंगे और इसको भिगो के रखेंगे हम 2-4 घंटे तक। और जब हम इसको वॉश करेंगे रेगुलर तरीके के साथ वॉशिंग मशीन में, तो एकदम सफ़ेद हो जाएंगे। सो बहुत सारे दोस्त सफ़ेद कपड़े यूज़ करने से डरते हैं, स्पेशली बेड शीट्स और कवर्स, क्योंकि उनको लगता है वो पीले हो जाते हैं, पर इस मेथड से वो एकदम वाइट हो जाते हैं। सो अब रात हो चुकी है, मैं ऑलरेडी वॉश करने के लिए लेट हो गई हूँ और मैंने पानी को निकाल दिया है और इसको पड़े काफ़ी घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे रेगुलर तरीके से ही वॉश करेंगे। सो मैंने सारी चीज़ें वॉशिंग मशीन में ऑलरेडी ऐड कर लिए हैं और अच्छी खुशबू के लिए मैं ये ऐड करने वाली हूँ, नॉट करने वाली हूँ, कर दिया ऑलरेडी। एंड मैंने थोड़ा सा लॉन्ड्री बूस्टर भी डाल दिया है और ब्लीच भी डाल दिया अगेन से। दोस्तों, सो आज हो चुकी है अगली सुबह और आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी सफ़ेद हो चुकी है। और अब हम बेड बना देंगे, आज का दिन की शुरुआत करेंगे थोड़ी सी क्लीनिंग के साथ। तो यार, हमने बेड बना दिया है, थोड़ा सा इस पर हम लिनन स्प्रे करेंगे जो कि लैवेंडर है। अब हम हमारे बाथरूम की काउंटर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मैस कर देते हैं बाथरूम में। ओके, हम सारे मिल के वॉशरूम की हालत ख़राब कर देते पूरा वीक। तो वीकेंड पे होता है कि इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दें कि सारा हफ्ता हम मज़े से अपने वॉशरूम को इस्तेमाल कर पाएँ। अगली बारी आती है थोड़ी सी डस्टिंग करने की, मैं साइड टेबल्स को डस्ट कर दूंगी और थोड़ा बेड की साइड को भी। और उसके साथ ही मेरी कोशिश होती है कि मैं वैक्यूम वीकेंड को ही करूं। सो मैं वैक्यूम कर रही हूं बेडरूम को और मेकअप रूम को। आप देख सकते हैं कि मेरी बेडरूम की विंडो से ये ट्री कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, इसके कलर्स इतने ज़्यादा प्यारे हैं और इस पर अभी भी पत्ते बाकी हैं। जिस दिन ज़्यादा हवा चलेगी ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। सो इसलिए मैं इसको काफ़ी देर देखती हूँ, मज़ा लेती हूँ इसका। एंड अगली चीज़ है कि मैं सारे कपड़े लेके आई हूँ नीचे वॉश करने के लिए, जो भी क्लोजेट्स को क्लीन करके। डैडी, यू वांट टू वॉश दिस? यू वांट टू
ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ काम चोर पट्टी को लेके आई हूँ पीली टी शर्ट आगे बनाई की बने This is my favorite. Okay, दोस्तों तो ये है मेरे पति जो कि काम बहुत कम करना चाहते हैं पर मैं इनको लेके आई हूँ लॉन्ड्री की बास्केट को डाउन स्टेयर रखने के लिए ताकि मैं उसको वॉश कर पाऊँ कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहोगे नहीं नहीं पॉइंट तो मैं ता ऐड करा पहला बास्केट काट मेरे है कोई जवाब ओ इन्हीं तो तेज है ना आती है थे अब मैंने लगा मीमी ने मैं कपड़े थले रखा ली पे जाएगा तो उत्ते रह गया यार इन्हों तो ये नहीं है एक बार तो दिया ने पोचा है कि जीन तो दिया ने कोई जीन ऊपर ही है सर जो लॉन्ड्री को मैं वॉश करना चाहती हूँ उसको ऑर्गेनाइज करके देखेंगे कि कौन से कपड़े किस तरह लोड करेंगे हम इस तरह ये लॉन्ड्री का काम जब कंप्लीट होता है मैं आऊँगी अपस्टेयर्स और ब्रेकफास्ट डोंट स्टॉप लुकिंग इन माय आईज आर यू कोल्ड डू यू वांट टू सिट डाउन आई बीन हियर अ मिनट लंच और ब्रंच की तैयारी करेंगे आज हम मूली के परांठे खाने वाले हैं और हम तैयार करेंगे हमारी स्टफिंग आज मैंने मूली को ग्रेट करने के लिए फूड प्रोसेसर को यूज़ किया इतना ज़्यादा क्विक एंड इजी था एक ही मिनट में सारा काम हो गया लेस देन मिनट में आई एम डन सो काफ़ी आसान लगा मुझे ये और इसमें मैं नमक को ऐड करके इसको छोड़ दूँगी ताकि मूली में से और ज़्यादा पानी निकल जाए No, you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much, and Van Gogh might take a while. और अब मैं जा रही हूँ अपस्टेयर्स हिम्मत के साथ समय स्पेंड करने के लिए क्योंकि वीकेंड पे हम लोग लेके आए थे एक पजल जो कि 1000 पीस की है और गलती होगी मुझसे इतने ज़्यादा पीसेस नहीं लाने चाहिए थे मुझे लगा कि हम दोनों कर सकते हैं हम दोनों ने घंटों स्पेंड किए पर यार बहुत नन्ना सा हिस्सा बना पाए हम पर उस पर थक गए कितनी ब्रेक्स ली हमने सारा दिन इस काम में स्पेंड किया 2 दिन एक्चुअली पर हमसे कंप्लीट नहीं हुई है अब हम मैं देखूँगी कि कैसे पज़ल को सॉल्व करते कुछ टिप्स और ट्रिक्स देन हम इसको दोबारा करेंगे कमिंग वीकेंड सो या इस पे हमने बहुत समय स्पेंड किया ओके उसके बाद मैं जा रही हूँ डाउनस्टेयर मैंने परांठे की स्टफिंग तैयार कर ली अब परांठे बनाने वाली हूँ मेरे परांठे का साइज़ काफ़ी अच्छा होता है
परांठे तैयार हैं खाने के लिए और उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं किया है. सो दैट्स इट. एंड अगर आप मूली के परांठे की रेसिपी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ ये मेरे चैनल पे सर्च के साइन पे क्लिक करके मूली परांठा रेसिपी आप देख सकते हैं. देख लिया आपने. आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा. अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. अगर आपके पास कोई सजेशन है, रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट बार में ज़रूर छोड़ना, फिर ही हम उस पर काम कर पाएंगे. मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. इजी पीजी. बाय लालू.